नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी। चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और आइए रुख करेंगे आज की खबरों की ओर। विधायक टीकमगढ़ आशा उषा एवं सहयोगी कार्यकर्ताओं की मांगे न माने जाने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई। टीकमगढ़ वर्ष 2005 से एनएचएम के अंतर्गत कार्य कर रही कुशल एवं प्रशिक्षित सेवा प्रदाता आशा एवं सहयोगी कार्यकर्ताओं, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के इस दौर में अपनी जान जोखिम में डालकर बगैर किसी सुरक्षा एवं बगैर सम्मानजनक ही जो परिश्रम किया है वह उत्कृष्ट है। राज्य सरकार द्वारा सदैव उनकी अनदेखी की गई है, कार्य के अनुरूप की जा रही इसी विषय में आज आशा उषा और आशा सहयोगी की कार्यकर्ताओं ने अस्पताल चौराहे पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का प्रदर्शन किया और अपनी मांगे रखी। टीकमगढ़ से मोहम्मद इरफान खान के साथ जिला ब्यूरो चीफ जावेद खान की रिपोर्ट। अनिदार है और मैं बल्दोगढ़ ब्लॉक से हूँ, उपाध्यक्ष हूँ आशा उषा और सहयोगी संगठन से हूँ। यहाँ पे हम और कहने ज्ञापन देना, धरना प्रदर्शन है जिला टीकमगढ़ में। हम और की 6 सूत्री मांग पूरी करने के लिए मांग है, क्या क्या है? हम लोग की मांग है, जो 2005 से हम लोग काम करते आ रहे हैं, सरकार ने अभी तक हमको परमानेंट नहीं किया है। और क्या कहते हैं, आशा कार्यकर्ता को 18,000 की वेतन दी जाए और सहयोगी को 24,000 की, और क्या कहते हैं परमानेंट किया जाए। और तो हम लोग ऐसे ही अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल में जारी रहेगा। अभी कितने दिन की लिए आप? 1 तारीख से है सर, अभी तक सरकार ने हमारी सुनी नहीं है। और जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। अब यहाँ से हटेंगे। सरकार से क्या चाहती हैं आप? क्या सरकार से क्या चाहती हैं आप? परमानेंट के लिए सर। और जो हम अभी कोरोना काल में काम कर रहे हैं, अपने परिवार अपने बच्चों को छोड़कर बिना सुरक्षा से है? और 2000 और कोरोना काल में और सैनिटाइजर की बगैर मास्क के सर, और फिर भी हाँ सरकार हमारे साथ अनदेखी काम कर रही है, हमको क्यों नहीं परमानेंट कर रही है? क्या हम लोग काम नहीं कर रहे? हम लोग सरकारी कर्मचारी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं, फिर भी सरकार हमारी अनदेखी काम कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? सरकार को तो हमारी मांग पूरा करना ही पड़ेगी।